दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोना की नई डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें कई योजनाओं को शुरू करने के जो गवर्नमेंट ने है वो आदेश दे दिए हैं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल और इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुड़गांव में मीटिंग की और बताया कि सोना में जितने भी सेक्टर हैं और सोसाइटियां हैं उनमें पानी पहुंचाने का काम और 60 मीटर और 24 मीटर रोडों का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना भी आसान हो जाएगा। जैसे ये सभी काम शुरू हो जाएंगे दोस्तों, उससे रियल एस्टेट मार्केट में काफी ज्यादा उछाल भी देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सोना को गुड़गांव से भी अच्छी सिटी बनाने का प्लान है। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले सप्ताह यानी कि 26 नवंबर 2022 को गुड़गांव में एक बैठक की, जिसमें सोना के डेवलप काफी नई योजनाओं के बारे में घोषणा भी की और जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए ये भी आदेश दिए गए। सोना का जो डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था 2031 का, उसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टरों में प्राधिकरण की तरफ से पानी पहुंचाया जाएगा और जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो 60 मीटर की हो या फिर 24 मीटर की हो, तो ये सारे रोड निकाले जाएंगे। जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए तो कार्यालय को नोटिस भेज दिया गया है। तो सोना को डेवलपमेंट कराने के लिए और भी कई योजनाओं को भी हरी झंडी मिली है दोस्तों। सोना की जो डेवलपमेंट है, जैसे कि KMP एक्सप्रेसवे बनाने और यहाँ की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बाद से काफी ज्यादा बड़ी है। आपको मैं बता दूं कि 10 साल पहले जो सोना का मास्टर प्लान बनाया गया था 2031, उसके तहत 36 सेक्टर काटे गए थे, जिसमें 17 जो सेक्टर थे वो रेजिडेंशियल थे। इन सेक्टरों में टाउन एंड कम्युनिटी प्लानिंग की तरफ से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट की टाउनशिप, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, ये सभी मिला के जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उनके लाइसेंस दिए गए थे। सोना के जितने भी सेक्टर हैं उनमें अभी तक पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी जितने भी सोसाइटियां बनकर तैयार हो गई हैं जो गुड़गांव सोना के अंदर, उसमें जो पानी है या तो बोरवेल के थ्रू जाता है या फिर टैंकरों के थ्रू जाता है। गुड़गांव से लेकर सोना के बीच जितने भी सेक्टर काटे गए थे, इन सेक्टरों में कुछ हिस्सों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी और प्लॉटी टाउनशिप डेवलपमेंट हो चुकी है और लोगों ने इन सेक्टरों में रहना भी शुरू कर दिया है। वैसे हरियाणा सरकार की मंशा है कि सोना के जो सेक्टर हैं उनको भी गुड़गांव की तरह ही डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब सेक्टरों में पानी होगा और सेक्टरों से एक दूसरे सेक्टर के लिए जाने के लिए या तो वो 60 मीटर रोड बनाए या फिर 24 मीटर रोड होने बहुत जरूरी है, और साथ के साथ बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो सीवर लाइन है उसको भी बिछाया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी जो व्यवस्था है उसको पूरा किया जाए। नवंबर में जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं को तुरंत से तुरंत बनाने का काम शुरू किया जाए। दोस्तों इसमें ये बात भी हुई कि जो मुख्यालय को जो प्रस्ताव भेजा गया था वो क्या था और उसमें कौन कौन सी जो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने जिक्र किया था वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गुड़गांव सोना रोड पर जो 38 मीटर की जो ग्रीन बेल्ट है, उसमें बूस्टिंग स्टेशन बनाने के लिए जो जमीन की जो जरूरत पड़ेगी उसे बिल्डरों से भी लिया जाएगा, ताकि जो मांग है पूरा करने के लिए अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक बनाया जाएगा और पानी की पाइपलाइन भी साथ के साथ इसमें बिछाई जाएंगी। जो भूमिगत पाइपलाइन होगा उसका जो एक अधिनियम बनाया गया था 2008 में, तो उसके अनुसार गुरुग्राम और जो सोना रोड के दोनों ओर पानी की जो आपूर्ति करने के लिए जो लाइन बिछाई जानी है उसमें बिना लाइसेंस वाली जो जमीन आती है उसको भी इसमें साथ में लिया जाएगा। सोना के जो सभी मास्टर रोड हैं उनके लिए HSVP को उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि सेक्टर रोड निकालना आसान हो जाए। दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि गुड़गांव के जो सेक्टर डेवलपमेंट हुए थे पहले, तो उसमें हुड्डा ने डेवलपमेंट किए थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हुड्डा का नाम चेंज करके यहाँ पे इसको HSVP कर दिया है, यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नाम दे दिया गया है। तो अब हुड्डा का नाम नहीं आएगा, अब आएगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। HSVP की जो फुल फॉर्म है वो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी अब हुड्डा के अंदर ये सेक्टरों के नाम नहीं लिए जाएंगे, वो HSVP के तहत लिए जाएंगे।
और उसमें एक बात और थी कि सेक्टर जो 33 है उसमें बूस्टिंग स्टेशन लगना था, उसकी भी मंजूरी मिल गई है मुख्यालय से। और मेवात फीडर नहर का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। नहर से निकलने वाले कच्चे पानी को आगे ट्रीट किया जाएगा। इस समय में एचवीपी के पास जल को एकत्र करने के लिए कोई जमीन नहीं है, इसलिए भूमि अधिग्रहण के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी लगाने का भी काम जल्द से जरूर शुरू किया जाएगा। सोना के लिए दोस्तों कुछ और नई योजनाओं के लिए भी खट्टर साहब ने कुछ मंजूरी दी थी। सोना का जो सरकारी अस्पताल है, पहले 50 बेड थे, उसमें को बढ़ा के अब 100 बेड की मंजूरी भी दे दी है। जो दमदमा झील का को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने के लिए टूरिज्म विभाग द्वारा एक योजना बनाई जाएगी, जिसको और भी खूबसूरत तरीके से इसको डेवलपमेंट किया जाएगा। जो सोना के अंदर एक फुहारा चौक है, उसको भी काफी सुंदर बनाने के लिए आदेश दिए दिए गए हैं। एक 5 करोड़ की लागत से बनेगा, एक दीनदयाल पार्क बनाया जाएगा और गांव समर्थला की जो 6.5 एकड़ लैंड है उसके अंदर भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा। सोना इलाके में जितनी भी अरावली की जो शाखाएं हैं उसके अंदर 7 डैम बनाए जाएंगे पानी के लिए। 2031 के सोना मास्टर डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक 1 एकड़ से 5 एकड़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क और 5 से 15 एकड़ के एरिया में साइबर पार्क और लगभग 50 एकड़ में साइबर सिटी विकसित की जानी है। और साथ के साथ आपको पता ही है कि जो सोना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हब की भी स्थापना स्टार्ट कर दी है, वहाँ पे काम शुरू हो गया है। काफी कंपनियों ने वहाँ पे अपने जो काम है उनको स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है सोना की जो जल्द से जल्द शुरू की जाएंगी। और जैसे ही ये जो 60 मीटर रोड है, जो अभी मेजर काम जो बचा हुआ है वो पानी का और 60 मीटर रोड का, ये दो चीजें सबसे मेन है, इनके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है कि भी इनको जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। हो सकता है 2023 में ये काम शुरू हो जाएंगे और इससे जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सोना है, सोना सिर्फ एक अभी जो गुड़गांव से सोना तक जो एलिवेटेड रोड बना हुआ है उसी के दोनों साइड है, क्योंकि राइट साइड में जो सेक्टर लगते हैं वो सिर्फ एक एक करके ही सेक्टर, उनके पीछे अरावली की शाखाएं हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड की जो सेक्टरों की बात करें वो अभी सोना से अगर हम अंदर के सेक्टरों में जाते हैं तो काफी दूर लगते हैं, लेकिन जैसे ये जो 60 मीटर के रोड हैं ये निकल जाएंगे तो उन सेक्टरों में भी जाना काफी आसान होगा। आप गुड़गांव से सोना जाते हैं तो आपके जो लेफ्ट साइड में जितने भी सेक्टर्स आएंगे उन्हीं में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगी गवर्नमेंट की, क्योंकि राइट साइड में जो पैच बचता है वो सारा का अरावली की शाखाएं हैं और साथ के साथ जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें तो या तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आ चुके हैं या प्लॉट की टाउनशिप आ गई है, तो वहां पे बहुत कम लैंड अभी बची हुई है। तो जितनी भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट आगे करेगी वो आपके लेफ्ट साइड में, जैसे कि सेक्टर 33 हो गया, 32 हो गया, सेक्टर 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इस साइड के जो सेक्टर्स हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा आगे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उसी साइड आपका सेक्टर जो 3 है वो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर है, उसी के अंदर एजुकेशन हब, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपके गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे वहां पे आने हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल जरूर रही होगी। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही खिलते रहिए, जॉय के साथ कमाते रहिए। धन्यवाद।